टाइम फॉर another एपिसोड ऑफ लोकल कर लो by उमेश अग्निहोत्री नमस्कार शनिवार का दिन है लॉन्ग वीकेंड है प्रोग्राम लो कर लो बात है इसलिए अच्छा यही है कि अच्छी अच्छी बातें करें जीवन में यूँ भी टेंशन बहुत है टेंशन क्यों बढ़ाई जाए अब देखिए ना कैसे कैसे टॉर्नेडो तूफान आ रहे हैं बताते हैं कि अप्रैल में जितने टॉर्नेडो आए अमेरिका के इतिहास में पहले कभी नहीं आए क्या उसकी बात करनी चाहिए कैसी तबाही कारें खिलौनों की तरफ मुड़ी तोड़ी इमारतें गिरी हुई उनका मलबा दूर तक फैला हुआ उसके बाद न करें तो कैसे न करें उसके बारे में न सोचें तो कैसे न सोचें बुधवार को वॉशिंगटन पोस्ट में बिल मैकेबन का लेख छपा सी नो क्लाइमेट चेंज इसने कुछ परेशान किया लिखते हैं टॉर्नेडो जैसी घटनाओं को आइसोलेटेड अनप्रिडिक्टेबल और डिस्क्रीट घटनाओं की शक्ल में देखना ही समझदारी है इसे टेक्सिस के वाइल्ड फायर के साथ जोड़कर देखना ठीक नहीं है इस तरह जोड़कर देखोगे तो मन दुखी होगा इस तरह की घटनाओं को क्लाइमेट चेंज के साथ मत जोड़ो ऐसा करने से बात दूर तलक जाएगी लाइफ स्टाइल पर आ जाएगी उसके बारे में सोचना पड़ेगा सोचेंगे तो लाइफ स्टाइल बदलना पड़ेगा <laughs> बिल बिबन ने एक और किताब भी लिखी है बल्कि कई किताबें लिखी हैं एक किताब का खास तौर से ख्याल आ रहा है मे बी वन विषय था बच्चे कितने होने चाहिए दो हम हमारे दो वाले स्लोगन से आगे निकल गए बोले मे बी वन इस विषय पर उन्होंने आर्थिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक राजनीतिक हर पहलू से विचार किया उसके बाद वो जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं वो है मे बी वन मे बी वो कहते हैं कि दुनिया में जो तूफान जो बाढ़ें जो सूखा पड़ रहा है उसे देखते हुए बेहतर है शांत रहो मैं तो कहूँगा मन को शांत रखने के लिए योग योगा करो उन समस्याओं के बारे में सोचोगे तो कॉरपोरेशंस की एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान जाएगा और पेट्रोल कंपनियों के सुपर प्रॉफिट्स में रुकावट डालना समझदारी नहीं है ऐसी बातें सोचने से अपनी परेशानी बढ़ती है पेट्रोल की कीमतें चार डॉलर से ऊपर जा रही हैं वो है हमारी असली चिंता लोकर लोपात एक और लेख पढ़ रहा था क्लाइमेट चेंज वुड कॉज सम काइंड ऑफ रीजनल और कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रप्शन किसी गरीब मुल्क में जैसे कि पाकिस्तान में जहां की बाढ़ों के कारण लाखों लोग विस्थापित हो सकते हैं और रेडिकल लोग पावर में आ सकते हैं ऐसा होने से और उस नाजुक इलाके में लड़ाई भड़क सकती है बताइए क्या जरूरी है कि आपके देश को अव्वल ही होना है आप दूसरे नंबर पर क्यों नहीं रह सकते <laughs> लेख है स्टोरों में चीजें अटि पड़ी हैं घरों में भी इतनी हो गई हैं कि गराज में यार्ड तक में समा नहीं पा रही हैं मुश्किल हो रही है।, है जरूरी है कि आप सोचें कि आप ही अपनी किस्मत के विधाता हैं और आपको अपनी खुशी खुद तलाश करनी है आप ये क्यों नहीं सोच सकते कि आपकी खुशी पूरे ग्रुप पूरी दुनिया के साथ जुड़ी है चलिए हम जो भी सोचें सोचकर परेशान हों या खुश हों निष्कर्ष निकाल पाएं न निकाल पाएं एक बात पर सब सहमत हैं सबकी रजामंदी है कि जिन सैनिकों ने इस देश के लिए जान दी है हमारे आपके लिए अपना जीवन बलिदान किया है उन सब के प्रति हम सब उनके एहसान मंद हैं हमें ये नहीं भूलना है कि उन्होंने हमारी खुशियों के लिए अपनी खुशियां नौछावर करती ये शॉपिंग ये फैमिली रियूनियंस उन्हीं के कारण है चलिए कुछ मजेदार बात के साथ आपसे इजाजत लू वही अच्छा रहेगा सवाल है विच इज द मोस्ट डेंजरस एल्फेबेट सोचिए आंसर है डब्ल्यू इट इज टेंशन जनरेटर All the worries get initiated with W Who, Why, What, When, which, whom, where, war, wine, whiskey, women, wealth, and finally, believe it or not, wife. And the most dangerous question coming from wife.